वेलकम के लिए बैठे हो ना आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और आज सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है स्थापना का। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं गंगा जल बना रही हूँ घर में छिड़काव करने के लिए। तो मेरा सबसे पहले मैं आपको अपने ठाकुर जी से मिलाती हूँ, जो कि सुबह से रेडी होके गणेश जी की जगह पे बैठे हुए हैं। खनकू खनकू से हाय। और ये मैंने जन्माष्टमी की ड्रेस पहनाई है आज भी, लेकिन इनका मैंने मुकुट चेंज किया है। खनकू यहाँ पे गणपति जी ने बैठना है, चलो उठो यहाँ से। नहीं उठना है, नहीं उठना है। और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ गणपति जी के वेलकम के लिए। और आज मैंने साड़ी पहनी है, मैंने अभी पूरी डाली नहीं है, पूरी अच्छे से मैंने वेयर नहीं करी हुई है। एक सेकेंड। और ये साड़ी मैंने सरोजनी नगर से खरीदी है, मैंने जस्ट 200 रुपीज की है। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना सरोजनी का जरूर हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ मैंने पेयर किया, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट किया था। तो ये कैसा लग रहा है मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं हर गणपति पे बैलून्स जरूर फुलाती हूँ, इस बार मेरे को टाइम नहीं लगा। बैलून्स तो मैं लेके आई हूँ, सिर्फ एक ही बैलून फुलाया मैंने। और अभी मेरे को जस्ट पूजा की थाली रेडी करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैं क्या क्या लेके आई थी पूजा के लिए। मेरे पास वैसे ऑलरेडी सारा सामान पड़ा था, लेकिन अभी मैं घर से बाहर हूँ, मेरे पास बहुत सारा सामान है गणपति जी के, लेकिन यहाँ पे मेरे को सब चीजें खरीदनी पड़ी। एक एक चीज मेरे को खरीदनी पड़ी, घंटी तक मेरे को खरीदनी पड़ी, पूजा की जोत खरीदनी पड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सारी चीजें यहाँ गणपति जी के लिए जो जो मैंने खरीदा है कितने का लिया, मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ अपना। ये मैंने गणपति जी का मुकुट लिया था यहाँ से, ये मेरे को 150, ये मैंने सरोजनी नगर से लिया, ये मेरे को 150 रुपीज का मिला है। और ये मेरे को काफी कॉस्टली लगा, क्योंकि इससे बेटर मैंने जर्कन्स वाले यूज किए हैं पहले, तो वो 150 के होते थे। ये एकदम सिंपल सा है, लेकिन ये अच्छा है, मेरे को क्यूट लगा, ये कलरफुल है। और जो गणपति जब आप घर पे रखते हो ना, या वैसे लकी माने जाते हैं जो सिंदूरी कलर के होते हैं, इस बार मेरे को सिंदूरी कलर के गणपति मिल गए। बहुत कम लोग बनाते हैं सिंदूरी कलर में गणपति जी, लेकिन जो नेचर कलर से जो गणपति बनते हैं ना, वो भी बहुत शुभ होते हैं घर में रखने। इसमें भी नेचर के सारे कलर हैं, सी, और ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने लिया ये पटका, पितांबर हो गया पटका, ये मेरे को 100 रुपीज का मिला है। जो ऐसे करके डालते हैं ना, ये वो है। और ये गणपति जी की माला, ये भी आई थिंक 100 रुपीज की थी। और मेरे पास जोत भी नहीं थी यहाँ पे, तो मैं ये ढक्कन वाली जोत लेके आई हूँ, ये मेरे को 280 रुपीज की मिली है। ठीक है, अच्छी है, लेकिन घर में मेरे पास ये भी थी, इसके बिना तो पूजा हो नहीं सकती। और ये जो जोत में यूज होती है ना, मोली वाली जोत, ये वो है, ये पूरी 10 है। मेरे को 10 दिन के गणपति रखने हैं, और ये इसमें भी पूरी 10 की 10 है। निकल जा। और उसके बाद मैंने ये सिंदूर का पैकेट लिया है, जो कि 15 रुपीज का है। और ये कपूर, और मेरे 2-3 फूल रह गए लगाने के लिए। ये मैंने आपको अपनी एक वीडियो में सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मैंने कहाँ से लिए, कितने के लिए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं ये सब। और ये मैंने गंगा जल बनाया था थोड़ा सा, ये मैंने एक गिलास पानी लेके इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। पूरा का पूरा गंगा जल से छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती, आप पानी लेके उसमें 2 बूंद अगर गंगा जल भी डालते हो तो वो गंगा जल बन जाता है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया था, तो उसको मैं छिड़काई देती हूँ।
मैंने गणपति जी ना बाहर रखे हुए हैं क्योंकि अभी ग्यारह बजे से मतलब कि 11 बजे तक हम लेके आएंगे उनको अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो बाहर मैंने कपड़े के साथ ढक के रखे हुए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे को सिंदूरी कलर में इस बार गणपति जी मिले, थोड़े छोटे साइज के मिले हैं पर ठीक है। गणपति बाहर अंधेरा तो इसलिए तो दिख नहीं रहे अच्छे से, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ना बिना बैलून्स के ना मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बैलून्स फुलाई हूँ। मैं गणपति फेस्टिवल में पहले दिन और आखिरी दिन बैलून जरूर लगाती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं बैलून, मेरे को कोई भी त्योहार हो कोई भी सीजन मेरे को बैलून्स अच्छे लगते हैं और इनके वेलकम के लिए तो मैं जरूर लगाती हूँ बैलून। वेलकम के लिए बैठे हो ना आप, से हैप्पी गणेश चतुर्थी। कौन मोली मिली ये मैंने बड़ी बड़ी थाली यूज कर ली और इसको किसने कोई कलश तो नहीं तो नहीं है नहीं। हाँ तो इसको बनाना पड़ेगा पहले गणपति, फिर तो हम वही बांध कर गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सबसे पहले चावल रख के हम गणपति जी को उसके ऊपर बिठाएंगे, उसके बाद हम ध्रुव के साथ इनको पानी और गंगा जल से स्नान करवाएंगे और उसके बाद हम इनको ये मोली एज अ वस्त्र इनको पहनाएंगे वस्त्र के तौर पर, और इसके बाद हम इनको पहनाएंगे पटका और उसके बाद हम इनको माला पहनाएंगे। खनकू क्या हो रहा है? और ये खनकू इनको देख रहा है क्या हो रहा है, और उसके बाद हम एंड में इनको मुकुट पहनाएंगे। बिना मुकुट के हम गणपति जी को घर में नहीं रख सकते, इनको मुकुट पहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नारियल के ऊपर हम स्वास्तिक बना के इनके साथ रख देंगे। वैसे तो कलश में आम के पत्ते लगा के उसके साथ ही ये नारियल रखा जाता है उसके ऊपर, पर मेरे पास ये सब था नहीं और हम साथ में इनको ध्रुव भी चढ़ाएंगे। ध्रुव गणपति जी की सबसे फेवरेट है तो ध्रुव चढ़ाना तो बिल्कुल भी मत नहीं भूलना चाहिए हमें। मोदक गणपति जी को बहुत पसंद है तो मोदक ज़रूर चढ़ाने चाहिए गणपति जी को। जय गणपति बप्पा। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा गणेश चतुर्थी का आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।